देवघर में जनता यूं तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, लेकिन ग्राहक सेवा केंद्र में पहुंची जनता को शायद इस बात का ख्याल नहीं रहा है कि उन्होंने भीड़ नहीं लगानी है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष राज ने। सेवा केंद्र के बाहर खड़े हैं और ये नजारा आप जरा देखिए, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सभी बैठे हुए हैं। हालांकि जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है वो संतोषजनक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जो निर्देश है वो यही निर्देश है कि कम से कम आपस में दो लोगों के बीच 1 मीटर का फासला जरूर हो। सबसे पहले हम इन लोगों से बात करेंगे कि ये क्यों यहाँ आई हैं और क्या कुछ यहाँ पाने के लिए आई हैं, क्या देने आई हैं? क्या देने आई हैं? इंसीन बाबू, इंसीन। हाँ अच्छा, तो मुंह नहीं ढकिएगा? ढका ही बाबू, इतना नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं आप, दूर बैठना चाहिए ना। बेटा और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लेने आए आप लोग? यस वाला पैसा यार, की वाले आला से पैसा से। तो दूर दूर ना बैठना चाहिए, इतना नजदीक नजदीक क्यों बैठे हुए आप? सब दूर है बैठल बाबू, नौ बजे से है बैठल बाबू। घर जाओ का जी ना, यहां यार आप क्यों आ रहे हो? चार बजे कितना देर से बैठे हैं? 9 बजे, 9 बजे से। तो काफ़ी देर से ये बैठे हैं, लगता है कि पेशेंट भी अब ये हो रहा है। हालांकि जो फासला होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। यहाँ एक अधिकारी भी हैं जो आवाज़ दे रहे थे, अभी ग्राहकों का नाम ले रहे थे, आप शायद आवाज़ दे के सुधार रहे थे। जी हाँ, सुविधा के लिए कि लोग नंबर लगाती नहीं है, इसलिए पासबुक सबका जमा कर लिए हैं और नाम लेकर के बुलाते हैं। जो फासला होना चाहिए आपस में वो नहीं, वो समझ ही नहीं पा रही है। ये चीज़ को समझाते समझाते हम लोग, हम स्टाफ भी हैं जो सभी समझा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जो सबसे जरूरी चीज़, जो जरूरी चीज़ है, बहुत जरूरी चीज़ है, बिल्कुल इसके चलते पासबुक लेना पड़ा कि ठीक है पासबुक लेकर आप लोग दूर बैठिए, हम चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे। चीज़ है शायद लोग समझ नहीं रहे हैं, जब तक थोड़ी कमी है, लेकिन ये कमी कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज 11 भारत की रिपोर्ट।